स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रोड के पास इलेक्ट्रोड का विभवांतर स्टैंडर्ड कंडीशन पर बताइए। एक मोलर का घोल में सांद्रण का जब आयन्स के रूप में मापा जाता है 25 डिग्री सेल्सियस पर, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ट्रिक क्या है? PTC, जहाँ प्रेशर 1 atm हो, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो और कंसंट्रेशन कितना हो? 1 मोलर। और 1 मोलर बराबर क्या हो गया? 1 मोल पर लीटर, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल टूट रहा है आयन्स के रूप में, उसी का कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताता है। ये हमारा क्या है? कंटेनर है। इसमें क्या है? मेटल के रोड को, इसमें इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें मेटल के रोड को डुबो दिए। मानते ये क्या है? जिंक का रोड है। तो जिंक का रोड 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके जिंक 2 आयन बनाया, तो यहाँ जिंक का रोड टूट कर Zn2+ के रूप में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में टूट के गिर रहा है। तो उस समय जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाता है। तो इलेक्ट्रोड पर नेगेटिवली चार्ज आ जाता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में पॉजिटिवली चार्ज। तो उस समय का इलेक्ट्रोड और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर और कंसंट्रेशन 1 मोलर पर, वही है हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिंबल ये हमारा क्या है? ये हमारा ई है इलेक्ट्रोड और ये हमारा नोट है, इसी को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड। नोट को क्या पढ़ते हैं? स्टैंडर्ड। और ये हमारा क्या? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये नोट हो गया स्टैंडर्ड और ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। अब मेटल है तो Mn+ के पास पहुँच रहा है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस है, तो पॉजिटिव में इंक्रीज कर रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो नोट के लिए स्टैंडर्ड, ई के लिए इलेक्ट्रोड और एम से Mn+ में आ रहे हैं, मेटल से मेटल आयन बना रहे हैं, तो इसका नाम हो गया स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर पॉजिटिव में डिक्रीज करेगा तो क्या कहलाएगा? रिडक्शन। तो मेटल का आयन है पॉजिटिव चार्ज वैल्यू है और ये मेटल का आयन है, सॉरी ये मेटल, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो पॉजिटिव में डिक्रीज कर रहा है, इसलिए यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल हो रहा है। तो नोट के लिए हो गया स्टैंडर्ड और ई को क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड और मेटल आयन मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये हो गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, सॉरी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यूपे के अनुसार जो अनुशंसा की गई है वो क्या है? क्या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में? इसको भी क्या पढ़ते? रिडक्शन पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान हाफ सेल में उल्टा हो जाता है उसके स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के मान के तुलना में। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड यहाँ लिखा हुआ ऑक्सीडेशन, तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ जिंक, तो जिंक का यहाँ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के वैल्यू क्या है? पॉजिटिव 0.76 वोल्ट। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान है जिंक के लिए जो क्या है? -0.76 वोल्ट। यहाँ पर नेगेटिव रिडक्शन नेगेटिव चार्ज का यूज हुआ है और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज का यूज हुआ है।